मेरे सामने ना ये सिंथेटिक कपड़े मत पहन के आया करो। और तुम ये सूती खद्दर के कपड़े मत पहना करो मेरे सामने, मेरी तरह ब्रांड्स पहना करो। अच्छा ठीक है पहन लूंगी, पर पहले तुम अपने ये ब्रांडेड कपड़ों की जरा 5 क्वालिटी बताना। मेरी टी शर्ट ब्रांडेड है, इसमें मेरे लुक्स अच्छे लगते हैं और सोसाइटी में टशन रहता है। और दो बच्चे हैं अभी। और अच्छा पहले तुम बताओ अपनी ये सूती खद्दर की 5 क्वालिटी। ध्यान से सुनना, पहला ये मेरे देश का कपड़ा है, दूसरा इस कपड़े की क्वालिटी मेरे को गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्माहट देती है, तीसरा ये सब कुछ ऑनलाइन मिलता है, ग्रोसरी ब्यूटी मेकअप कुछ भी ले लो सब ऑनलाइन मिलता है। वो तो हम भी ऑनलाइन ले सकते हैं। लेकिन तुम्हारे ये ब्रांडेड कपड़े हमारे देश के लोगों को रोजगार का अवसर देते हैं, नहीं ना? पर क्यों अवसर देना? इसलिए अवसर देना है क्योंकि जो खादी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, ग्रोसरी हो गए, फैब्रिक हो गए, जब वो ये सब बनाते हैं उसी से तो उन्हें रोजगार मिलता है, और अगर हम खरीदेंगे ही नहीं तो फिर वो कमाएंगे कैसे? मसाया तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इससे तो देश में रोजगार बढ़ेंगे और देश का पैसा देश में ही रहेगा। बिल्कुल, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में हमारा भी तो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। वैसे खादी में फैशन, अरे खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन चल रहा है आजकल, देखो इसकी वेबसाइट पे। सच में यार ये तो जबरदस्त है, मैं तो आज ही बदल डालूंगा अपना वार्डरोब। तो आपका क्या ख्याल है? यही कि एक छोटा सा ही तो कदम उठाना है अच्छे के लिए, अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। आइए मिलकर चलते हैं इस राह पर जहाँ पर खादी को अपने जीवन का हिस्सा बना सकें। तो फिर वोकल फॉर लोकल का फॉर्मूला अपनाएं और घर घर में खादी का सामान लाएं।